सो वेलकम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ लक्ष्य शर्मा। आपका स्वागत है हमारे प्रॉपर्टी चैनल लाइफ साइट विजिट पे। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए जो प्रॉपर्टी लेके आए हैं वो बहुत ही काबिले तारीफ है। 3 BHK का कंसेप्ट आपके लिए लेके आए हैं, जो कि जो S+3 विद लिफ्ट के साथ लॉन्च किया जा रहा है, जिसकी जो लोकेशन है वो बहुत प्राइम रहने वाली है। सेक्टर 123 एयरपोर्ट रोड की लोकेशन पर हम आपको ये प्रोजेक्ट दिखाने जा रहे हैं। इसी के साथ अगर हम बात करें S+3 में विद लिफ्ट इंटरनल गार्डन्स, क्लब हाउस फैसिलिटी, पावर बैकअप फैसिलिटी, प्रॉपर एक कंसेप्चुअल गेटेड कंसेप्ट हम आपको दिखाने वाले हैं। इसी के साथ लेट्स गो टू आवर सैंपल फ्लैट एंड हैव सम ग्लिम्पसेस। फाइनली हम अपने सैम्पल फ्लैट के बाहर खड़े हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये विद लिफ्ट हमें कॉन्सेप्ट मिलने वाला है। जी हाँ, तो जो सैम्पल फ्लैट की बात करें तो ये एंट्री डोर रहेगा टुवर्ड्स आवर सैम्पल फ्लैट। इसके अगर आप फोकस करके देखें तो इसके सामने हमें एक स्मार्ट डिजिटल लॉक दिया जा रहा है डोर सेट कंपनी का, जिसपे 4 तरह के एक्सेस रहने वाले हैं, नंबर सिस्टम, थंब सिस्टम, कार्ड सिस्टम एंड हमें मैनुअल की का एक्सेस मिलता है। इसी के साथ हम अपने सैम्पल फ्लैट के अंदर बढ़ते हैं और देखते हैं इसके अंदर के फीचर्स। तो फाइनली अब हम अपने सैम्पल फ्लैट के अंदर आ चुके हैं दोस्तों। एंट्री में ही एंटर करते हैं हमें क्या मिलता है, एक कंपैटिबल साइज़ का डोर हाइट आप यहाँ पे देख सकते हैं। 8 फीट के इंटरनल डोर्स रहने वाले हैं फ्लैट के। जी हाँ, एंटर करते ही हम क्या देखते हैं, एक बहुत ही लेविश लेवल का यहाँ पर ड्राॅइंग कम डाइनिंग एरिया हमें देखने को मिल रहा है। अगर आप इसके एक्सटीरियर इंटीरियर की बात करें, काफ़ी ब्यूटीफुली से प्लान किया गया है। सामने आप देख सकते हैं कंपैटिबल साइज़ का यहाँ पर ड्राइंग एरिया इंस्टॉल्ड है। जी हाँ, जिसमें आप देख सकते हैं कि 7 to 9 सीटर की कैपेसिटी यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। अलॉन्ग विद दिस यहाँ पे डाइनिंग एरिया भी इंस्टॉल किया गया है। डाइनिंग एरिया की बात करें 6 सीटर साइज़ का कंपैटिबल बहुत ही ह्यूज लेवल का डाइनिंग यहाँ पर इंस्टॉल्ड है, आपके सामने असेंबल किया गया है। अब इसके जो इंटीरियर की बात अगर मैं आपसे करूँ तो बहुत ही प्लानिंग बहुत अच्छी है इस फ्लैट की। जी हाँ, हम देख सकते हैं यहाँ पे हमें एक बहुत ही प्यारे साइज़ का, एक बहुत ही एलिगेंस वाला यहाँ पे एक पूजा पैनल भी डिज़ाइन किया गया है, जिसकी अगर आप फोकस करके देखें तो बहुत ही एक अच्छी लुक क्रिएट करता है आपके फ्लैट में। इसी के साथ अगर जो वॉलपेपर की बात करूँ, सिलेक्शंस की बात करूँ, वॉलपेपर का सिलेक्शंस काफ़ी अच्छा है, स्मूथ है, शाइनी है, बहुत ब्राइट लुक दे रहा है आपके फ्लैट को। एक टेक्नोलॉजी फीचर्स अगर हम काउंट करते हैं किसी फ्लैट में तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है आज की डेट में। प्योरली एक एलेक्सा होम है जिसमें हम आज को आपको लेके आए हैं। यहाँ पे स्मार्ट होम फीचर हमें दिया जा रहा है, जिसमें कि जो टच पैनल्स हैं उनका आप यूज़ कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, वॉइस कंट्रोल कर सकते हैं अपने फ्लैट को। इसी के साथ अगर आप देखें फॉल सीलिंग कम लाइट का जो यहाँ पे काम दिया गया है दोस्तों, वो काफ़ी डिज़ाइनर है, बहुत ही प्यारा यहाँ पे एलिगेंट सा लुक दे रहा है। जो फैंसी लाइट्स हैं वो बहुत सिलेक्टेड यूनिट्स यहाँ पे लगाई गई हैं। अब इसके साथ में हम चलते हैं अपने बेडरूम्स की तरफ। फर्स्ट बेडरूम, मास्टर बेडरूम जो रहने वाला है इस फ्लैट का, उसके अंदर चलते हैं, देखते हैं वो कैसा रहने वाला है दोस्तों। तो मास्टर बेडरूम में एंटर करते हैं, अगर इसके साइज़ की बात करें तो 12.5 by 11.5 के डायमेंशन इस बेडरूम की देखने को मिलती है हमें। जी हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत ही ब्यूटीफुल और एक कंपैटिबल साइज़ का यहाँ पे मास्टर बेडरूम में एक बेड इंस्टॉल किया गया है। अलॉन्ग विद दिस यहाँ पे साइड टेबल्स का भी यूज़ किया गया है। उसके बाद भी जो रनिंग स्पेस है, जो वॉकिंग स्पेस है, वो आपके बेडरूम की बहुत अच्छी रहने वाली है। यहाँ पे एक LED पैनल भी इंस्टॉल किया गया है, जिसकी अगर हम बात करें तो आप अच्छे 70 इंचेस की अपनी LED भी यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके साथ इसका बेस्ट पार्ट क्या है कि इस बेडरूम के जो वार्डरोब्स हैं वो हमें इनबिल्ट दिए जा रहे हैं दोस्तों। जी हाँ, रूम साइज़ से हट के हमें वार्डरोब्स यहाँ पे लगा के दिए जा रहे हैं, जो आपका जो रूम साइज़ है उसको डिस्टर्ब नहीं करते हैं। इसी के साथ अगर आप फॉल सीलिंग लाइट का कंसेप्ट देखते हैं अपने बेडरूम में, वो भी बहुत प्यारा यहाँ पे दिया गया है। अटैच वॉशरूम आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। डोर हाइट अगेन 8 फीट की रहने वाली है। वॉशरूम की बात करें तो काफ़ी अच्छे साइज़ का यहाँ पे एक वॉशरूम 7x5 की डिमेंशन के साथ हमें दिया जा रहा है। ब्रांड्स की बात करें, अमेरिकन स्टैंडर्ड जैसा
सोफिस्टिकेटेड ब्रांड यहाँ पे यूज़ किया गया है, ग्रोहे की सैनिटरी सीपी फिटिंग्स का यूज़ किया गया है, बाथिंग एरिया बनाया गया है प्रॉपर यहाँ पे, आपका पॉट सिंक वगैरह सब ऑलमोस्ट हमें कंप्लीट यहाँ पे एक लग्जरी लेवल का फ्लैट यहाँ पे मिलने वाला है। जी हाँ, इसी के साथ अगर मैं बात करूँ जो आपकी डिज़ाइनिंग यहाँ पे दी गई है बेड्स की, वो भी काफ़ी अच्छी है, लग्जरी लुक आपके फ्लैट को दे रही है। जी हाँ, इसी के साथ यहाँ पे एक विंडो का प्रोविज़न भी दिया गया है दोस्तों, जिसमें अगर हम फिटिंग्स की बात करें तो UPVC विंडोज़ का यूज़ किया गया है यहाँ पे। तो कुल मिला के अगर हम बात करते हैं तो लग्जरी की बात करें, प्लानिंग की बात करें, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी की बात करें, इस फ्लैट में हर चीज़ हमें फुल ऑन बैंग ऑन में मिल रही है। इसी के साथ में हमारा सेकंड बेडरूम हम देखते हैं दोस्तों, जो कि हमारा सेकंड मास्टर बेडरूम रहने वाला है। इसके अंदर एंटर करते ही अगेन बहुत अच्छा साइज़ हमें देखने को मिल रहा है, 11x11.5 की डायमेंशन इस बेडरूम की हमें यहाँ पे दी जा रही है। बेडरूम में अगर बात करें अगेन, एक अच्छे लेवल का बेड ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, साइड टेबल्स का यूज़ किया गया है, फॉल सीलिंग लाइट का अगर आप यहाँ पर कंसेप्ट देखें तो बहुत ही प्यारा यहाँ पर भी फॉल सीलिंग लाइट का काम किया गया है। अगेन LED पैनल के लिए प्रॉपर एक हमें स्पेस दी गई है, अच्छे साइज़ की LED भी यहाँ पे हम इंस्टॉल कर सकते हैं। वॉशरूम अटैच अगेन हमें एक और फीचर ऐड ऑन हो जाता है कि अटैच वॉशरूम इस बेडरूम के साथ भी दिया जा रहा है। जी हाँ, अगेन अगर बात करते हैं ब्रांड्स की तो वही हमें सोफिस्टिकेटेड लग्जरियस ब्रांड यहाँ पे भी देखने को मिल रहे हैं। इसी के साथ वार्डरोब हमें इस बेडरूम में भी लगा के दी जा रही है, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है कि हमें हर बेडरूम के साथ अटैच वॉशरूम अटैच वार्डरोब का कंसेप्ट दिया जा रहा है। अब यहाँ से जो आपका सेकंड बेडरूम है, यहाँ से एक्सेस रहने वाला है आपके वॉशिंग एरिया का। जी हाँ, अगर डोर की बात करें तो UPVC डोर का यूज़ किया गया है यहाँ पे। वॉशिंग एरिया की बात करें तो बहुत ही अच्छा कंपैटिबल साइज़ का वॉशिंग एरिया, एक बड़े साइज़ की वॉशिंग मशीन भी आप यहाँ इंस्टॉल कर सकते हैं। प्रॉपर हमें यहाँ पे टैप का प्रोविज़न दिया जा रहा है, टाइलिंग्स करके दी जा रही हैं। तो कुल मिला के बहुत ही अच्छे आज हम जिस फ्लैट को देखने आए हैं, बहुत ही बेहतरीन लेवल का फ्लैट आपको दिखा रहे हैं दोस्तों। तो इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं अपने फ्लैट का थर्ड बेडरूम। थर्ड बेडरूम के साथ में ही एडजॉइनिंग में हमें मॉड्यूलर किचन का प्रोविज़न भी दिया जा रहा है। अगर मैं आपको किचन में लेके चलता हूँ तो बहुत ही एडवांस लेवल की किचन यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों। जी हाँ, डबल स्लैब का एसोसिएशन दिया गया है, आपका वेट ड्राई एरिया अलग दिया गया है, वेट एरिया अलग दिया गया है, हैटिक जैसी एसेसरीज किचन में यूज़ की जा रही है। प्रॉपर अगर आप थोड़ा सा फोकस करके देखें तो हमें हॉब एरिया चिमनी ऑलरेडी यहाँ पे लगा के दिखाई गई है। जो आपके फ्रंट कैबिनेट्स हैं उनमें ग्लास का यूज़ किया गया है, इवन अंदर लाइट का वर्क हुआ हुआ है ऑलरेडी। यहाँ पे डेडिकेटेड फ्रिज का स्पेस दिया गया है कि कल को अगर आपने फ्रिज भी इंस्टॉल करना है तो हमें थिंक अबाउट नहीं करना पड़ता है। प्रॉपर प्री फिटेड यहाँ पे माइक्रो और ओवन की सेटिंग भी आप देख सकते हैं। प्रॉपर कैबिनेट्स बनाए गए हैं, साउंड प्रूफ सिंक्स का यूज़ किया गया है। सिंक मिक्सचर की बात करें, ग्रोहे जैसा ब्रांड यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है। फॉल सीलिंग लाइट अगर आप देखते हैं किचन में तो वो भी बहुत ही ब्यूटीफुली प्लान की गई है दोस्तों। यहाँ पे प्री फिटेड हमें बिन वगैरह ऑलरेडी सब कुछ इंस्टॉल्ड मिल रहा है। तो बेस्ट पार्ट क्या है कि प्रॉपर एक हमें कंपैटिबल और मॉड्यूलर साइज़ की और लग्जरियस किचन यहाँ पे देखने को मिलती है, जिसमें फॉल सीलिंग लाइट एक्सटीरियर इंटीरियर सब कुछ ए क्लास किया गया है दोस्तों। इसी के साथ में अब हम बढ़ते हैं अपने थर्ड बेडरूम की तरफ, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग बेडरूम है इस पूरे फ्लैट का। अगर थर्ड बेडरूम की बात करें तो प्रॉपर यहाँ पे आज पर थीम बेस्ड इसको हमने किड्स बेडरूम बनाया हुआ है दोस्तों। आप अपनी ऑफिस स्पेस, किड्स बेडरूम, गेस्ट बेडरूम एज पर योर नीड इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रॉपर बच्चों का ध्यान रखते हुए बंकर बेड का यूज़ किया गया है। बहुत ही ब्यूटीफुली यहाँ पे एक स्टडी टेबल को भी एसोसिएट किया गया है दोस्तों। जी हाँ, कि कल को अगर आपने अपना ऑफिस स्पेस बनाना है तो आप अपना ऑफिस टेबल भी यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। अलॉन्ग विद दिस, जो डेकोरेशन पर्पज़ है इस रूम का उसको बहुत अच्छे से मेंटेन किया गया है। प्रॉपर वॉलपेपर की सिलेक्शन बहुत प्यारी दी गई है। वार्डरोब की अगर इस बेडरूम में हम बात करें तो यहाँ पे हमें किड्स वार्डरोब भी प्रोवाइड की जा रही है, जिसमें अगर मैं आपको स्पेस दिखाऊं तो काफ़ी अच्छी स्पेस हमें यहाँ पे भी देखने को मिलती है। प्रॉपर टॉयज़ के लिए सेटअप है, अंदर वार्डरोब एक्सेसिबिलिटी मिल जाती है। वॉशरूम हमें थर्ड बेडरूम के साथ भी अटैच किया जा रहा है। जी हाँ, थर्ड बेडरूम के साथ भी अटैच वॉशरूम का प्रोविज़न है। अगेन बहुत स्पेशियस यहाँ पे एक वॉशरूम देखने को मिल रहा है। बाथिंग एरिया बनाया गया है, प्रॉपर इंस्टॉलेशन की गई है, सैनिटरी और सीपी फिटिंग्स अच्छे ब्रांड्स की यूज़ की जा रही है, फुल हाइट तक टाइल का प्रोविज़न दिया जा रहा है। तो कुल मिला के अगर हम इस फ्लैट की बात करें तो एक कंप्लीट 3 BHK हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब मेन जो बात होती है फ्रंट बालकनी,
इस बेडरूम में फ्रंट बालकनी भी हमें काफ़ी अच्छे साइज़ की कंपैटिबल लेवल की फ्रंट बालकनी यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमारी फ्रंट बालकनी का भी एक्सेस हमें इस बेडरूम किड्स बेडरूम से भी दिया जा रहा है। अलॉन्ग विद दिस जो आपकी मॉडुलर किचन है वहाँ से भी डोर का ही एक्सेस हमें बालकनी के लिए दिया जा रहा है। बालकनी की बात करें तो काफ़ी कंपैटिबल स्पेशियस बालकनी यहाँ पे देखने को मिल रही है। इसका बेस्ट पार्ट क्या है कि जो आपका सिलेंडर का प्रोविज़न है, जी हाँ, जो आपके किचन का सिलेंडर का प्रोविज़न है वो बालकनी में दिया गया है। आपको किचन के लिए सेफ्टी पर्पज़ को ध्यान में रखते हुए जो आपका फिजिकली अपेयरेंस है सिलेंडर का वो बालकनी में आएगा, पॉइंट आपका किचन में अंदर दिया गया है। अब इस फ्लैट की अगर मैं बात करूँ तो टेक्नोलॉजी ड्रिवन ये फ्लैट रहने वाला है। इसमें किचन में गैस के सेंसर्स का यूज़ किया जा रहा है कि कल को अगर वाइल वर्किंग आपका सिलेंडर लीक होता है तो उसका एंटी फायर सिस्टम एक्टिव हो जाएगा। प्रॉपर सेंसर बेस है। वॉशरूम में लाइट्स के लिए सेंसर यूज़ किए जा रहे हैं। एलेक्सा इनेबल्ड हमें ये फ्लैट दिया जा रहा है। पावर बैकअप इसमें फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है। अगेन हम आपको रिमेंबर कराते हैं कि S+3 में विद लिफ्ट आपको ये फ्लैट प्रोवाइड किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही लग्जरी लुक इसका मिलने वाला है। क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन बहुत प्रोमिनेंट है। तो आई होप आपको फ्लैट बहुत अच्छा लगा होगा। दिए गए नंबर्स पे आप जल्दी से जल्दी कॉल करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग लाइफ शेक विजिट। टेक केयर।